Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Redmi K20 Pro. जी हाँ, इस डिवाइस का काफी सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली ये डिवाइस 28 मई को चाइना में रिलीज हो जाएगा और उसके कुछ ही दिनों के बाद ये डिवाइस इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा. और ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं इस फोन का नाम बदलकर किसी और नाम से लॉन्च किया जाएगा. जो मोस्ट प्रोबेबल नेम है वो है पोको F2. लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को इस फोन के 6 ऐसे रीजंस बता दूं जिससे आपको पता चले इस फोन की क्यों इतनी हाइप क्रिएट हुई है. और ये रीजंस ऐसे हैं जो आपको मजबूर कर सकते हैं इस फोन को लेने के लिए. अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 6 ऐसे रीजंस बताता हूं जिसके लिए आपको ये फोन का वेट करना चाहिए. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा है. और अगर आपका कोई सवाल है तो हैशटैग लगाकर आपका सवाल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को याद से प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे स्मार्ट टेक्निकल फैमिली का एक हिस्सा बन जाए. सबसे पहला रीजन है इस फोन का लुक और डिजाइन. सबसे पहले आप ये डिवाइस देख लीजिए और ये कोई लीक इमेज नहीं है, ये ऑफिशियल रियल लाइफ इमेज है. काफ़ी स्टनिंग डिज़ाइन लग रही है और ये जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक लग रही है. अगर आप रियल साइड से देखोगे तो ये फ़ोन काफ़ी अलग लग रहा है, कैलिडोस्कोप जैसी डिज़ाइन लग रही है. रियर साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया गया है और 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है. वैसे दोस्तों आपको कैसा लगता है इस फ़ोन का डिज़ाइन, अच्छा या बुरा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. सेकंड रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन की डिस्प्ले. तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगी ऐसी डिस्प्ले जो वन प्लस और सैमसंग जो अपने फ्लैगशिप डिवाइस में ऑफर करता है, जिसकी प्राइस 35,000 के आसपास होती है. लेकिन शाओमी यहां पर इस फोन में उससे भी कम प्राइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करने वाला है. जी हाँ, इस फोन में आपको 6.39 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 91% के आसपास. मतलब स्क्रीन एरिया ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो बेजल हैं वो आपको काफी कम देखने को मिलेंगे. तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी होगी इस फोन की डिस्प्ले. थर्ड रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन का प्रोसेसर. जी हाँ, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर. ये प्रोसेसर वन प्लस अपने फोन में 48,000 के प्राइस पॉइंट पर ऑफर करता है, लेकिन शाओमी वन प्लस से 50% कम प्राइस पॉइंट पर ये प्रोसेसर ऑफर करने वाला है. ये जो प्रोसेसर है वो 7 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी. और जो लोग अपने स्मार्टफोन में हैवी एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसके अलावा जो लोग हैवी ग्राफिक्स वाली गेम खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए ये प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. इस प्रोसेसर के अंदर एक ऐसा फीचर्स है एलिट गेमिंग करके, जिसकी वजह से ये प्रोसेसर ब्लेजिंग फास्ट गेमिंग परफॉर्मेंस देगा. मतलब आप गेम खेलोगे तो वो बहुत ही फास्ट होगा और जो बैटरी कंजप्शन है वो भी ज्यादा नहीं होगी. और अगर ग्राफिक्स की बात करें तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 में आता है एड्रेनो 640 और ये सपोर्ट करता है HDR गेमिंग को, जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी एनहांस होने वाला है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 845 से. इसके अलावा ये प्रोसेसर क्विक चार्ज 4 प्लस को सपोर्ट करता है, इसका मतलब आपका स्मार्टफोन और भी ज्यादा फास्ट चार्ज होगा. तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ. फोर्थ रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन के कैमरास. इस फोन में रियर साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा. जो प्राइमरी कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का और वो भी सोनी IMX586 सेंसर के साथ. और यही सेम 48 मेगापिक्सल का सेंसर वन प्लस 7 प्रो में दिया गया है, लेकिन उसकी प्राइस 49,000 के आसपास है. लेकिन शाओमी के इस फोन की प्राइस उससे भी काफी कम होने वाली है. और जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 13 मेगापिक्सल का. इसके अलावा जो थर्ड कैमरा होगा वो होगा 8 मेगापिक्सल का. वहीं अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की तो इस फोन में हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और वो भी पॉपअप एलिवेटिंग सेल्फी कैमरा. यहाँ पे आपको सुपर स्लो मोशन, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके अलावा EIS जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे. बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में, क्या ये फोन कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन हो सकता है.
फिफ्थ रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन की बैटरी और उसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इस फोन में हमें 4000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में क्विक चार्ज 4 प्लस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये फोन काफी कम टाइम में फास्ट चार्ज होगा। तो Xiaomi ने बैटरी डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छा काम किया है। सिक्स रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन की प्राइस। तो ये फोन तीन वेरिएंट्स के साथ देखने को मिलेगा। सबसे पहला वेरिएंट होगा 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस 26,000 के आसपास होगी। दूसरा वेरिएंट होगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस बताई जा रही है 28,000 के आसपास होगी। इसके अलावा जो हायर वेरिएंट होगा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस है 30,000 के आसपास। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या फिर कोई और फोन ले चुके हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।